बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान का आज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। सलमान खान इस वक्त अपनी रेस 3 को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। अब आपको बता दें, सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने पुराने वक्त को याद किया। आपको बता दें, सलमान खान ने कहा, जब हमारा वक्त था, जब हम नए नए इंडस्ट्री में आए थे, उस समय संजय दत्त, सनी देओल जैसे सितारों का नाम हुआ करता था और ऐसा लगता था उनके जैसा स्टारडम पाना किसी के बस की बात नहीं। मैंने जब करियर में स्टार्ट किया तो मैंने भी कई गलतियां की, मैं बहुत ज़्यादा फ्लॉप भी हुआ। फिर जब भी मुझे हिट होना होता था, मैं संजय दत्त या सनी देओल की मदद मांगता था, वो मुझे अपने साथ फिल्मों में लेते थे और मैं अपने आप हिट हो जाता था। गौरतलब है, सलमान खान इस वक्त साजन और जीत जैसी फिल्मों की बात कर रहे थे, जहां पर सलमान का सेकंड लीड रोल था, लेकिन ये फिल्में सलमान खान की हिट फिल्मों में गिनी जाती है। सलमान ने कहा, एक वक्त था जब सनी और संजय का स्टारडम हुआ करता था, उनके साथ आप फिल्म कर अपने आप को स्टार बना सकते थे, मैंने वैसा ही किया और सनी और संजय मुझे मदद करने के लिए कभी मना नहीं करते थे। और आज वो वक्त आ गया है कि मैं एक स्टार हूँ और काफ़ी बड़ा, और अब मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मैंने उस दौर को देखा है। आपको बता दें, फिलहाल इंटरव्यू में बॉबी देओल ने भी कहा था कि एक वक्त था जब सलमान खान को संजय दत्त, सनी देओल की ज़रूरत पड़ी थी और आज मुझे सलमान की ज़रूरत है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि सलमान खान आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा है और वो लोगों के करियर संवारने, हिट फिल्में देने में सबसे ज़्यादा माहिर है। लेकिन हर स्टार का एक दौर ऐसा होता है कि वो उसको काम मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, सलमान की इस दरिया दिल्ली पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स आपका है, जवाब जरूर दें। और संजय दत्त, सनी देओल और सलमान खान कौन है बेस्ट, आप जवाब दें। और सब्सक्राइब करें देखो देखो बॉलीवुड की अपडेट के लिए।